हमारा नाम सरेंद्र कुमार है। मेरे घर में सर दो बहन है, तीन भाई है, और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो हमने एमएससी बॉटनी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और हमारा एक छोटा सा गांव है कानपुर देहात पुखराया के पास, बिरमा पड़ता है। और सर वहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। ये पहली स्लाइड में फोटो देख रहे हैं, ये सबसे मेरा पहला पुराना घर है। और यहाँ से घर बहुत बहुत हम लोग घर परिवार से गरीब थे, कुछ नहीं था। पांचों भाई बहन पढ़ते थे, पिताजी का 1 बीघा जमीन थी। और गली गली में जाके रेडीमेड के छोटे छोटे कपड़े बेचते थे। गांव में मजदूरी करते थे, खेती करते थे। पांचों भाई बहन पढ़ने वाले और जो है कमाने वाला एक व्यक्ति। तो घर की स्थिति इतनी खराब थी कि सभी को कपड़े चाहिए, सभी को खाना चाहिए, सभी को जूता चप्पल चाहिए, सभी को किताबें चाहिए, सभी को ट्यूशन चाहिए, सभी को स्कूल की फीस चाहिए। मगर गरीबी की स्थिति इतनी ज्यादा थी कि सर मैं कक्षा 10 में पढ़ता था 1997 में, तो हमारे घर समझ लीजिए गेहूं नहीं थे खाने के लिए। चने का साग इतना दिया जाता था और चावल जरा से दिए जाते थे, तो रोटी गेहूं की नहीं हो पाती थी। बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। और सर उस समय हमने जो है मजदूरी भी की है। हमारे भाई बहनों ने रात रात भर गेहूं का ठेका काटा हुआ है, आलू दिन दिन भर रखे हुए हैं। हमने जो है इसके अलावा भी घर खेती किसानी मजदूरी जहां जहां से पैसा आ सकता है वहां सब काम किए हैं। इसके अलावा जब भी हमारा जुलाई में एडमिशन होता था तो जो है पांचों भाई बहन का एडमिशन कराना है, कपड़े लेना है, फीस लेना है, तो उस समय पैसे नहीं होते थे। तो उस समय हमने धान लगाया है पांचों भाई बहनों ने। और धान से जो पैसा लगा के मिल जाता था उस पैसे से हम अपना एडमिशन कराते थे, और उसी पैसे से हम लोग किताबें अपनी खरीदते थे, ड्रेस बनवाते थे, और तब हम पांचों भाई बहन पढ़ाई कर पाते थे। बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, गरीबी एकदम चरम सीमा पे थी। एक दिन तो ऐसा आया कि हमारे भाई बहन हम लोग पांचों लोग कुम्हेड़ा, जो आगरा में पेठा बनता, कुम्हेड़ा बहुत पैदा होता, उसको रख रहे थे। और खाने के लिए समझ लीजिए गेहूं नहीं थे। और जो है जब कुम्हेड़ा रख रहे थे तो भाई बहन बोले कि खाने के लिए कुछ है नहीं, मम्मी है कुछ लेके आएंगी कि नहीं आएंगी। और पिताजी कानपुर में है, वो रिक्शा चला रहे हैं, समय काम लग नहीं रहा है, और जो है बड़ी दिक्कत है। ऐसा करते हैं कि पांचों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और जो है क्योंकि गरीबी की सीमा होती, हम लोग भी जो है इस स्थिति में है कि जब खाने को नहीं है तो पहनने को ना, और क्या है, घर तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति थी। अब आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कक्षा 10 तक मैं पढ़ा हूँ, और मेरे पास पैर में चप्पल नहीं थे, घर में कपड़े नहीं थे, उघारे रहते थे, सैंडो बनियान रहती थी, उघारे रहते थे क्योंकि कपड़े नहीं थे। इतनी ज्यादा कंडीशन सर खराब थी, वो आपको दिख रहा होगा, हमारा घर दिख रहा होगा, हमारी स्थिति दिख रही होगी, बचपन की पहले फोटो दिख रही होगी, पांचों भाई बहन गरीबी से जिए वो दिख रहा होगा, सारा कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन में सभी लोगों को। यस नो, यस बहुत स्थिति खराब थी सर। और उसी समय जहाँ चाय होती वहां राय होती है, हम लोग रात रात भर गेहूं का ठेका काटते थे, लोगों के घर जाते थे कि भैया गेहूं काटना है क्या। 1 बीघा काटने का 1 कुंटल मिलता था, तो रात रात भर शाम के 7-8 बजे खा के चले जाते थे पिताजी माताजी और पांचों भाई बहन। और छोटा वाला भाई नहीं जा पाता था, वो घर अकेले छोड़ देते थे या वहीं ले जाती थी मम्मी गेहूं के खेत में ही सुला देती थी, और वहीं पे जो है रात भर काटते थे कि साल भरे की गेहूं खाने को तो हो जाए। फिर भी नवंबर दिसंबर में घट जाता था गेहूं, फिर भी उस समय केवल चावल और चने का साग खाना पड़ता था। ऐसी गरीबी थी, उसको सर बयां करना, मैंने गरीबी देखी नहीं है, मैंने झेली है। मैं कक्षा 10 तक, मुझे इंटर तक याद है कि मैंने गरीबी को इतना झेला है, इतना झेला है कि एक कपड़ा भी नहीं रहता था शरीर पे, एक कपड़ा भी नहीं रहता। स्कूल की ड्रेस पहन के आते तो वही उतार के रख देते, तो उघारे रहते थे,
जिससे कि कम से कम जो है रेस तो साल भर चल जाएगी, ये कंडीशन थी समझ लीजिए सर। अब उसको बया करना उसके बारे में सर हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर से हम समझ रहे हैं इस चीज को, हमारे घर परिवार में भाई बहन सारे लोग जानते हैं। तो इसी समय चाय होती राय होती है, बहन ने गांव से रह के पोखराया से 1,000 फार्म डाले होंगे और नौकरी नहीं लग रही, कहीं से घर परिवार की जिंदगी नहीं बदल रही, फिर भी जो है बहन ने फार्म डाले। और जो हम लोग गेहूं वेहूँ काटते थे, पिताजी की दुकान उकान से पैसा होते थे, माताजी कुर्चक पैसा होते थे, इधर उधर से कहीं से होते थे, वो फार्म डालने में या पिताजी लेके चले जाते थे बहन को नौकरी लगवाने, तो वहाँ खर्चा, एक बार मुजफ्फरनगर गए तो 2,000 रुपये खर्चा हो गया, तो हम लोग बहुत माइनस में चले गए। इसके बाद कई जगह ऐसी भर्ती दिखाने गए बगैर टिकट के पिताजी जाते थे, और उसके बाद जमीन पे लेटना, ट्रेन में ऐसे लेट के कैसे कैसे जाते थे, मगर नौकरी नहीं लग रही थी। मगर जहाँ चाय होती वहां राह होती है। झांसी में पहली बार हमारी बहन देखी पुलिस की भर्ती, और पहले नंबर जो है हमारी बहन पुलिस में भर्ती हो गई। और जब पुलिस में सर भर्ती हो गई, तो भर्ती होने के बाद सर हमको बहन ने अपने पास ही रख लिया, और जो है वहीं पे हमको MSc बॉटनी से पढ़ाया, कंप्यूटर कराया, टाइपिंग कराई, शॉर्ट हैंड कराया, और MSc बॉटनी से हम कर ही रहे थे लास्ट ईयर में, कि जो है बहन के इतने सपोर्ट की वजह से हम सर पुलिस में 2003 में जो है हम सर पुलिस में झांसी से भर्ती हो गए। जब भर्ती हो गए तो बहन भी पैसा, जो शुरू में तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं मिलती थी, मात्र 1100-1200 रुपए मिलती थी 97 में, ट्रेनिंग में आधी तनख्वाह थी, तो बहन पैसा भेजती रहती थी। बड़ी गरीबी फिर भी थी, कुछ घर परिवार में बहुत सारी खुशियां आ गई। इसके बाद 2003 में जब हम भर्ती हो गए, तो हमको मात्र 1800 रुपये मिलता था ट्रेनिंग में, तो उसमें हम सर जो है 800 रुपये अपने पास रखते थे, 1,000 रुपये चुपचाप मनी ऑर्डर घर के लिए कर देते थे, कि भाई बहन की पढ़ाई होगी, घर में खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, और घर पैसा भेज देते, तो घर के सारे लोग बड़ा खुशी महसूस करते थे। जैसे नौकरी हमारी चल रही थी, वैसे ही हमारी बहन भाई हम दोनों लोग मिलके अपने छोटे बहन छोटे भाई को अपने पास बुला लिया, और वहीं पे एक बहन को बहन देखने लगी और हम अपने भाई को देखने लगे, और उसी झांसी के ही ग्राउंड से जो है तैयारी कराएं, जिम जाएं, लगातार उनको सारी मदद करें, कोचिंग भेजें, सपोर्ट करें, दुनिया का कोई फार्म डालने से छोड़े नहीं, कि चपरासी हो, नौकरी किसी विभाग में सरकारी नौकरी मिल जाए। तो भाई बहन भी लगातार बहुत ही कमिटेड थे, और कोई नशा ऐ पत्ती कुछ नहीं था, केवल 24 घंटा पढ़ाई 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 रहती थी, और पढ़ाई की वजह से दिन में सुबह ग्राउंड में टहलना, दौड़ना, भागना, जिम जाना, और जो है लगातार ट्यूशन कोचिंग करना, और कोई प्रकार किसी प्रकार की कोई घूस नहीं। जब भाई बहन दोनों लगे तो 2011 में हमारा छोटा वाला भाई भर्ती हो गया, इसके बाद 2016 में हमारी छोटी वाली बहन भर्ती हो गई, तो ढेर सारी परिवार में खुशियां आने लगी। छोटा वाला भाई बचा, उसके लिए हम लोग भाई बहन एकदम पागल हो गए, और पूरी तरह से मदद करने को नहीं तैयार हो गए, कि छोटा वाला भाई भी अगर पुलिस में भर्ती हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो है बहुत मेहनत किए, 10 साल उसको कोचिंग कराए हम लोग, और जो है पल पल पे नजर रहते थे, पूरा खर्चा पानी सारा कुछ देते थे, और छोटा वाला भाई भी भर गया भर्ती हो गया, और पांचों लोग सगे भाई बहन पांचों लोग पुलिस में भर्ती हो गए, तो जो है पूरी तरह परिवार में खुशियां आ गई, पूरी तरह जीवन बदल गया। जब जीवन यहाँ से बदल गया, तो घर परिवार में जो घर में कमी थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने घर को बनवाना शुरू किया, और गांव में बढ़िया घर वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया, जीवन यापन चलने लगा, हम लोगों की नौकरी बढ़िया चलने लगी, और जो है सारा कुछ घर परिवार में पैसा आ गया, तो ढेर सारा सामान, ढेर सारी खुशियां, भौतिक चीजें जो होती हैं सब कुछ हो गया। हमको भी 20 साल नौकरी करते हो गया, 65,000 रुपये तनख्वाह मिलने लगी, पूरे भाई बहन को मिला के 1 महीने में 2,50,000 रुपया आने लगा, पूरी तरह जिंदगी बदल गई। घर परिवार में माता पिता को जो भी सुख जीवन में नहीं मिले थे, वो सब कुछ लेना शुरुआत कर दी, गांव में किसी चीज की कमी नहीं रखी, गांव में एक नंबर का घर है, घर बनवा दिया, घर में पिताजी को कोई चीज
फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, पंखा, गांव में जो चीज नहीं होना चाहिए, जनरेटर, इन्वर्टर, दुनिया भर की व्यवस्था, सब कुछ जो सुख जीवन में कभी देखे नहीं थे, वो जो है सब घर में पिताजी के लिए किए, माताजी के लिए किए, और जो है ढेर सारी खुशियां, जीवन यापन बढ़िया चलने लगा। जब जीवन यापन चलने लगा तो फिर भी जो जब कभी भी हम लोगों के में कोई ऐब नहीं भाई बहनों में, तो कोई तरक्की का रास्ता जब भी कहीं मिल जाता है तो उसको जो है हम लोग कभी छोड़ते नहीं है, चाहे वो तन मन धन लगा के किसी तरीके में कोई भी अगर मौका मिलता है, चाहे नौकरी में प्रमोशन का, या पढ़ाई करके, या अन्य विभाग में जाने का, या कुछ बड़ा करने का, तो कभी भी हम लोग माइनस में नहीं सोचते हैं। तो ऐसी समय में मुझे जिंदगी को बदल देने वाली ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने का मुझे भी मौका मिला, और ये जिंदगी यहाँ से फिर से शुरुआत, हमारा एक नया मोड़ था। एक व्यक्ति देवदूत बन के हमारी जिंदगी में आए, और उनसे पहली बार मुझे मुलाकात, रूबरू होने का मौका मिला। मैं चाहता हूं अब तक की सबसे जबरदस्त तालियां होना चाहिए मिस्टर अवधेश सर के लिए। जब अवधेश सर से हम मिले सबसे पहले, तो सर से मिले तो सर ने एक बात बताई कि अपने इंद्र कुमार जी, अपनी हम सरकारी पुलिस की नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो जब सर ने प्लान दिखाया और ये बात बोली, तो हमने कहा सर इसमें आप पगला गए क्या? सरकारी नौकरी तो दसियों लाख रुपया दे के मिलती नहीं है, और आपको नौकरी मिली हुई है, और आप बता रहे नौकरी छोड़ के ये प्लान आप कर रहे हो, ये आप बता रहे हो, दिखा रहे हो। हमने कहा सर ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और सर मैं आपको दिल से बात बता दूं, अभी यहाँ से स्पीकेस या और कई सारी कंपनी भागी हैं, लोगों के जीपीएफ में पैसा लगाया है, लोग सर जिसके घर भी जाएंगे ना, इतना माहौल यहाँ कानपुर का सर खराब है कि यहाँ से लोग घर के बाहर सर लाठी लिए बैठे हैं बिल्कुल, और जो है एकदम उनका पैसा चला गया है पैसा, और आप सर ऐसे में ये प्लान दिखा रहे हो, ये बता रहे हो कि ये आप नौकरी छोड़ के कर रहे हैं। तो हमने कहा सर इतना सारा कुछ दिखाने के बाद पीछे पड़ गया, तो हमने कहा सर यहाँ से क्या करना है? तो बोले कि इतनी देर प्लान देख रहे तो क्या समझ में आया? हमने कहा हमको कुछ नहीं समझ में आया, हमने को इतना समझ में आया कि तुम नौकरी छोड़ कर रहे हो। तो हमने कहा ठीक है सर क्या करना है? उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत सारा सामान है जो बाजार से खरीदते हो, यहाँ से कोई सामान ऑनलाइन आपको खरीदना है। तो हमने कहा ठीक है सर, आपके कहने से हमने कहा फायदा तो गया तेल लगाने, ये बताइए यहाँ से सर पैसा देंगे तो सामान आ जाएगा तो घाटा तो 1 रुपया का नहीं है। तो सर ने यही बात बताई कि पैसा आप देंगे तो उसका सामान मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, सर ने बताया तो एक बार हमने यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली तो सर घर में हमारे सामान आ गया। अब जब सर जैसे ही हमने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो अवधेश सर हमारे परम मित्र थे अब्दुल शाहिद जी, तो उनके माध्यम से हमने प्लान देखा था, अब वो चले गए सर यहाँ से, अब सर अकेले हो गए। तो जैसे सर प्लान हमको दिखाए समझ में आया, तो सर ने कहा कि इंद्र कुमार जी अब हम लोग मिल के बड़ा करते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर मिल के बड़ा करते हैं। तो सर घर पे आ गए, छोटा सा 37 बटालियन पीएसी में रूम था, तो उसमें ज्यादा जगह नहीं थी, सरकारी कमरा एक एक कमरा था, तो रहने की जगह नहीं। फिर सर को क्या करें, सर को छज्जे में लिटाए, और जो है वहीं पे सर को हम रखे, और वहीं से हम शुरुआत कर लिए। सर सुबह से मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाते थे, बताते थे इंद्र कुमार जी चलो। हमने कहा ठीक है सर। सर ने बताया तो पूरे जितने हमारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जानने वाले, पहचानने वाले जितने लोग थे, सबको हमने सर से मिलवाया। मगर उस समय इतनी नेगेटिविटी थी, स्पीकेशिया गई थी, लोगों का पैसा इतना गया हुआ था, तो कोई व्यक्ति ज्वाइन न करे। हमने कहा सर कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। सर ने बताया कि आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट तब लोग ज्वाइन करेंगे। हमने कहा लिस्ट सर तो बनी रखी है, क्या बनाना है, इतने उंगलियों से ऐसे गिन लेते थे। सर ने कहा नहीं बैठ के लिस्ट बनाना। लिस्ट सर ने बनवाई, आप इनसे मिलवाइए हमको जो जो आपके जानने वाले हैं। तो हमने मिलवाया, तो सारे लोगों ने विरोध कर दिया,
ऐसा होता नहीं है, चलता नहीं। अभी अभी कुछ ही दिन हुए एसपी के सीएल एक भागी है पैसा, और जो है इतने लोग नाराज हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नौकरी मिल गई है, बढ़िया अच्छा खासे से जीवन चल रहा है, घर में भी सारे लोग हैं। बहुत लोगों ने इतने ऐसे ऐसे संदेश दिए, तो मैं सर की बातों को ना मान के इन लोगों को देखूं तो मुझे इतना बड़ा झटका लगे। कुल मिला के बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, लगभग 20-30 लोगों को कोई ज्वाइन नहीं किया। एक व्यक्ति था, पहले दिन मिला और उसको दिखाए, तो व्यक्ति को सर ने इतना मोटिवेट करके प्लान दिखाया तो व्यक्ति के समझ में बात आ गई और वो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया और शाम के डीडी दे दिया, डीडी दे दिया। वहीं बगल में एटीएम था, कंट्रोल रूम के बगल में डीडी दे दिया। अब इसके बाद मैं रात के अपनी मैडम के पास गया, बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, नौकरी छोड़ के आया है, प्लान दिखाया बहुत बढ़िया, हमने इसमें इतना इतना 10,000 रुपए उसको दे दिया, पैसा लगा दिया। तो बताओ, उसकी मैडम ने इतना नागिन की तरह डस लिया कि वो व्यक्ति दौड़ते हुए सुबह हम लोगों को ढूंढ के आया और बोला कि सर, रोने लगा हमारे पास में, और देश सर मोटरसाइकिल से पीछे बैठे थे। बताया कि जो है, बताया कि हमारे पिताजी खत्म हो गए। तो सर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, होने कौन टाल सकता है। और जैसे ये बात बोले, वो कहने लगा हमारा पैसा दे दो। सर ने तो मना किया, पैसा तो हमने भेज दिया है। फिर भी जो है उसको साइड में हम ले गए, चुपचाप जो है हमने उसको पैसा अपने जेब से, अपने तनख्वाह से दे दिया। जब दे दिया, जब लौट के घर गए तो देखा कि पिताजी बाहर बैठे चाय पी रहे। हमने कहा यार ये कैसे हो गया? सर से इस बात को बताए, सर ने कहा कि तुमने हमसे पूछा नहीं, बताया नहीं, लोग इतना झूठ बोलते हैं। हमने कहा सर ऐसा भी बोलते हैं? मामा जी का वाली कहानी, सर उनके यहाँ ले गए, प्लान दिखवाने गए, और सबसे खास थे, करीबी थी। जैसे प्लान दिखाया, बताया, समझ में आया, आया भी नहीं, लैपटॉप खोलने लगे, वैसे कहा यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकलो, चाय पी लियो, तो जो दोबारा मेरे घर में जीवन में मत आ जाना और दोबारा दिखाई मत देना, इससे अभी पेट नहीं नौकरी से भरा, इससे आयो। बीच रास्ते में चलते हुए मेरी मोटरसाइकिल गिर पड़ी और मैं इतना रोया, इतना कष्ट हुआ, कुछ कही नहीं जाए। सर ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आई। एक एक वकील साहब के यहाँ मैं सर गया प्लान दिखाने, रात के 12-1 बज गए, उनको संतुष्ट करते करते इतना झिकझिकी वकील साहब थे, और ज्वाइन भी नहीं किया, फार्म भी नहीं भरा। और उसके बाद सुबह देखा, बाहर जब घर से निकले तो मोटरसाइकिल थी तो उसमें हवा नहीं थी पीछे वाले पहिया, जब देखा कि हवा नहीं, तो हम लोग 7 किलोमीटर उदेश सर के साथ घचोड़ते हुए घर तक ले आए, पूरी हालत खराब हो गई सर। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें रही सर, इतने जोश जुनून में सर रहते थे, पीछे बैठते थे और जो है लगातार मोटिवेट करते रहते थे। इसके बाद सर जो है एक बार तो इतना जोश जुनून में थे कि सर जो है बाहर चले गए, फार्म घट गए थे, फार्म लेने चले गए, और मैं अपने मैं जो है मैडम को अस्पताल गया था दिखाने, और वहां से दिखा के वापस आ रहा था, सर का फोन आ गया, मैं कान कान में लगाया, बात करने लगा, इतना जोश जुनून में बात करता रहा कि मैडम मोटरसाइकिल से कहाँ गिर गई, हम रास्ते में जाने नहीं पाए। और जो है 20 आदमी पीछे चिल्लाते रहे, इंद्र कुमार, इंद्र कुमार, इंद्र कुमार। हम कुछ नहीं सुने, सीधा घर आए, घर आके कान में बात करते रहे, फिर भी लेट गए। बिटिया ने पूछा डैडी मम्मी कहाँ गए? हमने कहा पता नहीं, हमने कहा बाहर कहीं होगी। आधा 1 घंटा बाद आई मैडम, कहा तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे बताया, बोले पागल हो गए हो क्या? हमने कहा यस, मैं पागल हो गया हूँ। बहुत दिक्कत हुई, और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं सर। इसी समय ज्यादा नहीं, हमने 20 लोगों को लगभग ज्वाइन करा दिया 1 महीना के अंदर, और सर लगातार हमारे साथ रहते थे, रात रात भर हमको फ्राइडे की ट्रेनिंग घर पे मैडम को हमको देते थे। और जो है सर घर पे मैडम जब शुरुआत में देखी तो ट्रेनिंग लेती तो मोटिवेट हुई, फिर बिजनेस बन नहीं रहा तो मैडम को मायके भेज दिया, हमने कहा जाइए मायके आप, और मायके जाके हम लोग रूम पे रह के लगातार लोगों को ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन कराते रहे, 20 की टीम बनी। इसके बाद में सर ने कहा कि हमको रूम दिला दीजिए, तो हम बाहर सर एक अग्रवाल जी का रूम था, पीएसी के बाहर, उनको रूम दिलाए, और रूम जब सर ने लिया तो वहां से काम करने की शुरुआत कर दी सर। इसी में 20 लोगों की टीम बनी सर, जो है बताया फार्म नहीं, आप चले गए बनारस, वहां से सर को दिशा ट्रेनिंग के लिए कुल्लू मनाली भेज दिया गया, यहाँ हम अकेले पड़ गए, यहाँ लोग 20 लोगों का पैकेज नहीं आया, सारे लोग निगेटिव हो गए, पैसा मांगने लगे, मेरी नौकरी भी फंस गई, जहाँ पे रहते थे वहां इज्जत बेइज्जत भी कर दिया, इतनी सारी नेगेटिविटी हो गई, मैंने नींद की गोली खाई, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया,
इतना मैं डिस्टर्ब हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं। मैडम भी दिन रात समझाएं, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं क्या ना करूं। और नौकरी में भी बता दिया तो वहां भी कई कंपनी खोले हो। अभी तो मैं बताता हूँ, अभी सस्पेंड करता हूँ, बर्खास्त करता हूँ, वहां भी कार्रवाई हो गई। जितने लोग थे, स्पीकेशिया भागी थी, इसमें भी कार्रवाई होगी। इतना मुझे 8 दिन संकट हुआ, मैं 2-3 बार ट्रेन में गया कि कट जाऊं जाके। 2-3 बार ऐसा हुआ कि गोली खाई नींद की, नींद ना आया, हृदय में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, दिक्कत होने लगा। 8 दिन अवधेश हमको छोड़ के गए। 8 दिन में मेरी वो दशा थी कि मैं 2-3 बार ट्रेन से कटने गया, लगा कि पंखा है, पंखा में आग, पंखा में लटक के मर जाऊं। ऐसा लगे मुझे कि मैं डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेशन में इतना चला गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उसी समय मैडम ने बोला, क्या तुम मर्द हो यार, 2-4 लाख रुपया घाटा लग गया है कंपनी, और इसके बाद में सर चले गए, फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं हो रही, मरने जीने क्यों घूम रहे हो? अरे नौकरी से पैसा निकाल लो, सबको पैसा दे दो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा, जो इज्जत गई हुई है वो कहाँ से आएगी? बोले कि यहाँ से ट्रांसफर करा लेंगे, दूर चलेंगे। बहुत सारी बातें हुई, मगर उसी समय सर दिशा ट्रेनिंग लेके जब कानपुर में आए तो सबसे पहले हमसे मिले। तो सर को हमने बहुत बुरा भला भी कहा, बहुत हड़काया, बहुत उल्टा सीधा भी बोले, मगर सर ने हमारी सारी बातें मानी। बताया कि ये एटीएम लो, पैसा लो, जो कुछ तुम कहोगे वो करेंगे। और हम चले गए तो ऐसे से बात हो गई थी। तो हमने कहा फोन उठा लेते, बात हो जाती, कुछ हो जाता। सर ने कहा कि हम दिशा में थे, ऐसे थे, बाहर थे, वहां नेटवर्क फोन नहीं मिल सकता था। उस दिन मुझे समझ में आया कि किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना तो छोड़ना नहीं। ये बातें मुझे बहुत हुई। फिर सर ने बताया कि आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, और हमको मैडम को फिर ट्रेनिंग दिया, फिर हम लोग मोटिवेट हो गए। सर ने एक बात बताया कि हम कहीं भी चले जाएंगे तो आप कैसे करोगे? 20 की टीम थी, आप एक आदमी संतुष्ट नहीं कर पाए। तो हमने कहा सर क्या करना है? तो वो थे कि आपको इतने दिन से बता रहे कि लिस्ट बनाओ, ड्रीम बनाओ, प्लान करो, तो प्लान आप सीख नहीं रहे हो। 6 आपके साथ 2 महीना हो गए काम करते, आप प्लान एक को दे नहीं पा रहे। आपके पास कम से कम हमने 500 प्लान दे दिए होंगे, और बताया जाता कि 10 प्लान के बाद 11वां प्लान आपको देना, आप प्लान ही नहीं दे रहे हो। सर ने कहा तुमको पेड़ को प्लान देना, दीवार को प्लान देना, मोटरसाइकिल को प्लान देना, तुम 100 बार हमको प्लान दोगे। 100 बार सर मैं प्लान देता था, मुंह से थेना फेंक देता था, और जैसा टूटा फूटा होता था सर लेके जाते थे, कहीं प्लान नहीं दिखाते, दिखाते तुम प्लान दिखाओ, तुम प्लान दिखाओ, तुम प्लान दिखाओ, तुम प्लान दिखाओ। तो सर मैं लगातार प्लान दिखाता रहा, दिखाता रहा, दिखाता रहा, प्लान में इतनी शार्पनेस आ गई कि लोग ज्वाइन करने लगे। शुरुआती दौर में सर ने बताया कि ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना है, प्लान को नहीं छोड़ना है। और जो है उसी समय पहली बार सर ने कोर ट्रेनिंग करवाई, और दीपक सर को राजा सेठ होटल कानपुर में बुलाया। वहां पे पहली बार जीवन में श्याम सुंदर जी की फोटो देखी, वीडियो देखा, और उनकी सिक्योरिटी के बारे में जब जाना हमने पहली बार जीवन में लगभग 3 महीने बाद, तो लगा कि यार जिंदगी में सब कुछ है। फिर हमने इस बिजनेस में और बिली भरोसा हुआ। 50 रुपए का पहला पास लगा के उत्सव मैरिज हॉल में सर माधव सर का आशीर्वाद मिला, वहां आए 70 लोग, हम लोग बैठा पाए, और वहां पे सर ने ऐसी स्पीच दी, ऐसा उनसे देख के मिल के रूबरू हुए सर, वहां से जुनून जज्बा पैदा हो गया। वहां से बिजनेस धीरे धीरे करके समझ में आने लगा। हम अवधेश सर पूरे दिन दिन भर सर खाना नहीं खाते थे। शाम के 11 बजे मैं रामा देवी होटल फिर कानपुर में जाता था, 11 बजे रात के सर खाना खाते थे। कभी कितनी ठंडी हो सुबह दिन के कुरकुरा या समोसा खा लेते थे, खाने पीने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। रूम पे एक एक आदमी को मैं पकड़ पकड़ के ले जाता था, सर को जो लोग नहीं काम करते थे तो उनको फील्ड में ले जाता था, लगातार उनसे सर से मिलवाता था। और शुरुआती तौर में अवधेश सर मैंने इतना डट के शुरू काम किया, लगातार संडे को प्लान को मिशन बनाया, कुछ भी हो साला एक एक आदमी को चाहे कुछ भी करना पड़े, क्या क्या खिलाना पड़े, कैसे कैसे उसको मोटरसाइकिल से, वाहन से, टेम्पो से उठा उठा के लाना पड़े, कुछ भी हो जाए साले को वेन्यू में भरना है। सर ने मिशन बनाया। सर 4 साल हमारे साथ रहे, दिवाली, दशहरा, होली, छठ, सर के 2 बच्चा पैदा हुए, दोनों बच्चों में घर नहीं गए, पूरी तरह से यहीं पे कानपुर में डट के लगातार कमरा लय के रह के लगातार हम लोग काम करने लगे। सर के साथ हमने भी कहा सर बताइए कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, और सर ने बताया कि इंद्र कुमार जी आपको अगर यहाँ से भरोसा है, अगर इस जगह से भरोसा है तभी आप इस बिजनेस करना है। अगर यहाँ से आपको भरोसा हो जाए कि आप फंस गए हो तो किसी को नहीं फंसाना, और अगर आपको यहाँ से भरोसा हो जाए तो किसी को नहीं छोड़ना। हमने कहा ठीक सर। तो हमने कहा पहले नंबर अपने घर की आईडी लगाता हूँ। मैंने 7 आईडी से बिजनेस ज्वाइन किया।
और घर में किसी को नहीं छोड़ा, भाई बहन माता पिता ससुराल से किसी को नहीं छोड़ा। 17 ID लगा दी, और 17 ID लगा के काम करने की शुरुआत सर के साथ पागल बन के करने लगा। लोग मना कर रहे हैं, करने दो जो भी हो जाए, देखा सर के साथ लगातार सर रहते थे, मुझे कभी सर लगातार खाना खिलाते थे, मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल पूरी फुल टंकी करवा देते थे, और जो है कहते थे कहीं भी चलना हो चलो। रात के हम लोग 2:30 बजे के लगभग रूम पे आ पाते थे, घर पे आ पाते थे, और जो है लगातार सर इतना कमिटेड होके काम करते थे। हमको बस कहते थे इंदु कुमार तुम मोटरसाइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चलाते थे वो पीछे से हमको मोटिवेट करते रहते थे, बताते रहते थे वहां चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो। सर ने जब पहली बार ड्रीम लिखवाया तो हमारा कोई ड्रीम ही नहीं था, नौकरी जरूर कर रहे थे, पूरी जिंदगी जानवरों वाली थी, कोई ड्रीम नहीं था। सब लोग बताते हैं मैं विजनरी था, मेरा ड्रीम था ये था वो था, मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मेरा एक ही ड्रीम था कि जो है नौकरी करना और 20 रोटी खा के और कुंभकर्ण के भाई बन के बस सोना, ये हमारा काम था। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं था, कोई सपना था ही नहीं हमारे जीवन में। जब उदय सर आए तो उन्होंने बताया कि आपको सपना लिखना है, ड्रीम लिखना है, तो हमने कहा सर ये क्या होता है, तो ड्रीम लिखा है डायरी में कि आपको मोटरसाइकिल लेना है, घर लेना है, कार लेना है, तो हमने कहा सर ये तो अभी तक हुआ नहीं, इतने साल नौकरी करते हुए ना घर बनाए, सरकारी कॉलोनी में रह रहे हैं, मोटरसाइकिल दहेज में मिली है, फटफटिया उसी को सर रगड़ रहे हैं, बरसात में निकालते नहीं है बाहर, तो सर क्योंकि गंदी हो जाएगी, इसको आजीवन पूरे जीवन यूज करना है। सर ने बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, जब ड्रीम बनवाए लिखवाए तो उनको हमें समझ में आया कि हाँ यार ड्रीम बहुत बढ़िया है, लिखना चाहिए। लिखे सर ने धीरे धीरे ड्रीम पूरा न कराना भी शुरुआत में। सर का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा, और सर यहाँ से फिर शुरुआत हुई। जब सर शुरुआत हुई तो सबसे पहले मुझे सिल्वर ईगल का नारी नाट्य कला केंद्र लखनऊ में सम्मान होने का मौका मिला, और वहाँ पे जो है सर मैं जीवन में मुझे आज तक MSc बॉटनी से मैं पढ़ा हूँ, एक ट्रॉफी की तो बात छोड़ो टॉफी तक हमको नहीं मिली, एक पेंसिल तक नहीं मिली, कभी कोई बुके सम्मान फूल माला कहीं नहीं मिला, कभी जीवन में थर्ड आया नहीं, कभी फर्स्ट आया नहीं, लगातार सेकेंड रहा, सेकेंड में ना बीच में ना इधर ना उधर। तो पहली बार मुझे ये सर ट्रॉफी लेने का मौका मिला, फूल माला लेने का मौका मिला, और जहाँ से मुझे लगा कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, और मेरी पहली रिकॉग्निशन 18 की टीम थी तो सिल्वर ईगल मिला। इसके अलावा सर सर के साथ काम करते रहे तो सर एक तरफ मेरी टीम हो गई जाके 150 की, और एक तरफ घर परिवार के वही 15-17 लोग पड़े, और उसी से मैं लीडर बन गया और रिकॉग्निशन हो गई, आगे काम चलवे न करे। फिर लगातार मैं काम करने लगा, सर ने बताया जैसा सिखाया जैसा बोला सर के साथ लगातार मैं जट के फील्ड में लगातार काम करने लगा। सर ने बताया कि अगर आंध्र कुमार आप जिंदा हो दुनिया इस धरती में, भारत के किसी भी शहर कोने में हो, तो हर शहर में प्लान चलता है, मैं आपको बताऊंगा, प्लान में आपको जाना है, ट्रेनिंग में जाना, नौकरी समय निकालना है, घर में सब्जी जो भी लेना है सब अपने टाइम में लेना, संडे को कुछ नहीं लेना, फ्राइडे की ट्रेनिंग खुद जाना है, अपने टीम को ले जाना है लगातार। हमने कहा ठीक है सर, काम करने लगा मैं सर के साथ लगातार। सर सुबह 7 बजे फोन कर देते थे इंदु कुमार निकले कि नहीं निकले, 8 बजे हर हालत में घर निकाल देते थे, रात के 12 बजे आने को देते थे। एक बार तो सुबह जो है शाम के लगभग 3 बजे थे, और शाम के 3 बजे के बाद की बात है, और मैं सर ने फोन किया कि इंदु कुमार जी कहाँ पे हो, हमने कहा सर एक लोगों की DD लेके आए लेने जा रहे हैं सर, जमा कराना है। कहे ठीक है बहुत बढ़िया है बधाई हो, तो हमने कहा ठीक सर। उनके पास गए तो 6 महीना से गोली दे रहे थे, DD दे ही नहीं रहे थे, फार्म भरा 350 DD ना दें, फिर हमने कहा क्या करें। गए तो उनका भैंस का पड़वा मर गया था, वो अपना भैंस के नीचे हमको जैसे देखे तो भैंस के नीचे बैठ गए दूध दूहने के लिए, तो हमने कहा हम बैठे रहे आधा घंटा, नमस्कार किया, जान भी गए सब कुछ, और लीडर भी हमारे साथ था। अब इसके बाद वो उठे ना वहां से, हम बैठे रहे, हमने कहा DD लेके जाएंगे, ये मिलते हैं, घर के अंदर रहते तो बता देते हैं नहीं, बाहर रहते हैं बता देते हैं, बाहर गए मिलते नहीं, मुलाकातें नहीं होती, आज तो मिल गए, आज तो DD लेके ही जाएंगे कुछ भी हो जाए। हमने सर को फोन लगाया, हमने कहा सर आज सर मिल गए हैं, 3 DD से ज्वाइन करेंगे, और सर जो है 1.5 घंटा भैंस के नीचे बैठे हैं, अभी तक वो भैंस जो है लगातार आज या तो सर भैंस दूध देगी या DD देगी, दो में एक ही चीज देगी। सर ने कहा शाबाश ग्रेट, और जो है वो जान गया कि ये आदमी हटने वाला नहीं है,
कितना भी टाइम हो जाए। वो आया तुरंत ही 15,600 के टिंगल डीडी से ज्वाइन किया, सर को बताया, सर ने पहले बधाई दिया, बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद सर मिशन बना के, सर जब भी सर ने जो है दिशा ट्रेनिंग हुई, दिशा ट्रेनिंग में पहली बार जीवन में जयपुर में हम लोग 10 लोग गए, और वहां से माधव सर की पहली बार दिशा ट्रेनिंग लिए, तो बिजनेस में इतना मोमेंटम आ गया, इतना अंदर एनर्जी भर गई, और जीवन में पहली ऐसी दिशा ट्रेनिंग लिए था, इतना एंजॉय किया, जीवन पूरा वहीं से समर्पित हो गया। लगातार संडे का प्लान, फ्राइडे की ट्रेनिंग, सर ने पहली बार फंक्शन कराया आके, वहां से आने के बाद सर की 500 की टीम हो गई, और सर से जो जो पहली बार फंक्शन लिया तो बहुत अच्छा लगा वहां पे। और उस समय घनश्याम सर, बीवी सर, दीपक सर और कई सारे लोग आए, सर की रिकॉग्निशन हुई। मुझे भी उस समय ज्यादा काम नहीं चल रहा था, और मेरी भी टीम जो है एक तरफ बहुत बढ़िया थी, एक तरफ बढ़िया नहीं थी, फिर भी वहां से लगातार काम चलने लगा और बढ़िया धीरे धीरे से होने लगा। मैं लगातार जब बिजनेस कर रहा था तो जो है सर के रहने का इन्हीं में रहे कि मैं 6 बार टारगेट जीता, बेस्ट परफॉर्मर बना, और 500 की टीम हुई, तब जो है इतना धुआंधार काम चलने लगा कि माधव सर द्वारा मुझे एक बेस्ट परफॉर्मर का सम्मान लेने का मौका मिला। दीपक सर, बीवी सर के माध्यम से इतना सेल सर भेजते थे, 1 हफ्ते में 65-70 सेल भेज देते थे, हाफ मिले, फुल मिले, कैसे भी ज्वाइन करना है किसी को, और कुछ भी हर हाल में, हर काल में जो है सेल भेजना है, भेजना ही भेजना है। और सुबह से लेकर शाम तक पागल बन के सर सारे लीडरों को पकड़ पकड़ कर, उसी समय रजत जी मिले, अंजना मैडम जी मिली, और इनको प्लान दिखाया, बताया, और सर से, सर के पास इनको देखा, ये हमारे साथ स्कूल में टीचर थी और काम करती थी, पढ़ाती थी, तो एक दिन ये टाटा स्काई लगाने हुए घूम रहे थे, कहे सर टाटा स्काई लगवाओगे, हमने कहा हम लगवाएंगे, और इसके बाद उदय सर के पास ले जाके बिठा दिए, इनको देखा, प्लान देखा, इनके साथ 4 लोग थे, चाचों ने फार्म भर लिया, और जो है मैडम जो है लगातार काम करने लगी, और इनको लेके मैडम के साथ में हम लगातार दिन रात काम करते थे, और मैडम के साथ लगातार अपनी वीकर लेग में ज्वाइन करा के काम करने लगे। जब काम करने लगे तो लगातार काम करते थे, तो मैडम हमारी डिस्टर्ब रहती थी। एक दिन की बात है सर कि जो है मैडम हमारी घर पे थी, तो टीवी खराब हो गई, तो सर समय मिलता नहीं था, हम रात के 12 बजे जाते थे, एक व्यक्ति मिला, उससे हमने पैसा दिया, हमने कहा हमारे घर की टीवी खराब सही कर देना, तो जाके और मैडम कम से कम सीरियल ये देखती रहेंगी, दिमाग उनका तब भी सही रहेगा, बाकी तो मोटिवेट रहती थी क्योंकि उदय सर से मिलती रहती, ट्रेनिंग भी लेती रहती, तो सही था। तो टीवी वाला व्यक्ति गया, हमारे घर की टीवी तो सही कर दिया मगर हमारी बीवी को खराब कर दिया, बताया कि आप जो है यहाँ पे रहती हैं, आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं, एक मैडम को बैठा के और 3 बार इधर उधर जाते रहते हैं, फर फर करके, और उनको लिए घूमते रहते, मैडम के शक हो गया पैदा। और जो है फिर ये बात हम सर को बताया, सर ने फिर बताया, समझाया, बिजनेस की पावर को दिखाया, तो मैडम के फिर समझ में आया कि हाँ यार बिजनेस बढ़िया है। कभी हम भी निगेटिव होते थे, मैडम भी निगेटिव होती थी, तो सर फिर मिलाते थे, तो बिल्कुल सारा कुछ बढ़िया हो जाता था, और लगातार काम चलता रहता था। लगातार जब बेस्ट परफॉर्मर बने सर, 6 बार टारगेट हम नहीं जीते, अपनी टीम में, हम कानपुर में नहीं, कानपुर में सर की टीम में सबसे ज्यादा टारगेट फाइट होते थे, हफ्ते में सबसे ज्यादा सेल जाती थी, और मेरी लगभग 500 की टीम थी उस समय, बहुत हाईएस्ट चेक मेरा बनता था, नौकरी से 20,000 मिलता था, और जो है जैसे सर का आगमन था पर लेवल के बाद सर हमारा 50-60 हजार के लगभग चेक चला जाता था। उसी समय सर नौकरी भी हम करते थे, बिजनेस को भी करते थे, तो नौकरी करके और इस बिजनेस को करके बड़ा दिक्कत होती थी कि समय नहीं मिलता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, और जो है टाइम नहीं मिलता था, फिर भी हम समय सब निकाल लेते थे। तो इस दुनिया में जब समय निकालने को सोचोगे सब कुछ हो जाएगा, और सोना केवल 3 घंटा रहता था, 4 घंटा, कभी कभी तो 12 बजे उदय सर के रूम में आते थे, वहीं हम सर चारपाई सोते थे, नीचे सो जाते थे अग्रवाल जी के रूम पे, तो ऐसे सर करते रहे। और सर के साथ फिर जब किया काम, तो सर ने पहली बार हमको डायमंड शेप दिखाने का मौका मिला, तो यहाँ से कानपुर से सर 10 लोग के लगभग थे, और जिनको पहली बार डायमंड शेप में देखने का लखनऊ
आगरा में मौका मिला तो सर हमको ले गए जबरदस्ती। हम जाना नहीं चाह रहे थे, 1400 रुपए का पास था। हमारे टीम में सारे लोग जाना चाह रहे हैं, हम जाना नहीं चाह रहे। हम छुट्टी भी नहीं लिए, हम दिन भर घर से गोल रहे। हमें पता था कि सर ले जाएंगे, तो हम गोल रहे। पैसा भी नहीं था उस समय, और उसके बाद में जाना नहीं चाह रहे, छुट्टी भी नहीं लिए। अकेले हम कंप्यूटर पे वेतन वगैरह बनाते थे, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे। संडे का दिन था, सर रात के 11 बजे आए, और सर हमारे जो है सारे लोगों को गाड़ी में भर के हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, और बताए कि हम 10 बजे तक घर से फरार रहे। हमने कहा सर चले गए होंगे, फोन स्विच ऑफ कर लिया था। हमने कहा हमको जाना ही नहीं वहाँ। फिर सर आए 10 लोगों को लेके, और हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। मैडम निकली, मैडम ने कहा कि यहाँ वो नहीं है। बताए कि उनके जूता चप्पल घर के बाहर उतरे, वो यही है। अभी मैं आता हूँ, दरवाजा खोलिए, नहीं तो मैं अभी दरवाजा फाड़ दूंगा आपका। अभी यहाँ सब मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएंगे, समझे। मैडम ने दरवाजा खोला, देखा तो हम मच्छरदानी में लुक रहे थे, और जो सर को देखा तो हम तुरंत बक्से में घुस गए। सर ने समझ गए कि यही है, कहा उधर मत घुसो, इधर निकल के आओ। और जो है सर हमको उठा के नहीं ले गए, सर हमको बैठा के नहीं ले गए, हमको सर टांग के जो है ले गए। और टांग के ले गए तो यहाँ से कानपुर से ट्रेन पकड़ी, रास्ते में इंजन फेल हो गया। 3 बजे के लगभग हम लोग पहुंचे जाके आगरा। डायमंड सिंह, वहाँ दीपक सर, माधव सर बाहर खड़े थे। हम लोग प्राइवेट कपड़े लिए थे, शादी का हम कोट ऐसे हाथ में टांगे थे, और इसके बाद में कपड़ा चेंज करने का नहीं समय मिला। फ्रेश नहीं हुए, समझ लीजिए नहाए नहीं, मंजन नहीं किए, कुछ नाश्ता पानी नहीं किए। गए तो वहाँ खाना भी नहीं मिला, और शादी का कोट लिए, कपड़ा तक नहीं चेंज कर पाए। पीछे गए तो पीछे जाके खड़े हुए, सर ने अपना लैपटॉप का बैग दिया, तो वो बैग रखा था, सामान भी रखा, तो उसको हम देखे। और जो डायमंड शिप की तरफ ध्यान नहीं था, शादी वाले कोट पे ध्यान था कि अगर चुर गया तो मैडम हमको कच्चा चबा जाएगी। हमने कहा क्या करें, पीछे देखते रहे। मगर जब डायमंड सिर्फ 3 लोगों का देखा, माधव सर के भाई अजय सत्य प्रकाश जी और अजय राजपूत जी और शैलेंद्र जी की, जब 3 लोगों की मैंने डायमंड सिर्फ देखी, वहां से मेरी आंखें खुल गई। वहां से हमने अंदर से कमिटमेंट लिया कि साला सर ने मेरी जीवन बदला है, और कुछ भी हो डायमंड सिर्फ आज देखा है, अपने बाप की औलाद हूंगा तो साला जो है डायमंड बन के जरूर दिखा दूंगा। वहीं से हमने संकल्प लिया, और अंदर से कुछ भी हो जाए, स्थिति कुछ भी रहे, परिस्थिति कुछ भी रहे, समय कितना भी लगे, मेहनत कितनी भी पड़े, सर की एक एक बात अब फॉलो करूंगा। अब जो है कुछ नहीं, अब एक बट कुछ नहीं चलेगा। और मैं जो है सर, लगभग मेरी टीम थी तो मैं, सर ने बताया कि आप नौकरी से लेट हो जाओ, मेडिकल काटो। मैंने मेडिकल काटना शुरू किया। मैं लगातार 2.5 साल नौकरी से लेट रहा, और सर के साथ दिल लगा के काम करने की मैंने शुरुआत कर दी। मैं कहा सब नौकरी वोकरी एक तरफ, घर वाले परिवार वाले सब पागल हो गए। घर वाले कहने लगे नौकरी छोड़े हो, घर में पुलिस आती है रोज, रोज परेशान करती है, रोज आपको ढेर सारी जो है क्या कर रहे हो। बहुत सारी दिक्कतें थी, माता जी का हमारे हाथ फट गया था, और बहुत तबीयत खराब हो गई थी, देखने तक हम नहीं जा पाए। सर के साथ जुनून में रहते थे, घर वाले भी रुष्ट हो गए बीच में, बोले कि पैसा है तुम्हारे पास सब कुछ है, और उसके बाद प्लाट बेचा, 3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में पड़ा है, तुम इलाज के लिए पैसा नहीं दे रहे, घर पैसा नहीं भेज रहे हो, और जो है वहां से तुम बिजनेस करने लगे हो, ये करने लगे हो, फलान है ढिमका। घर वाले इतना विरोध की, हमने सब बातें छोड़ दी। मैडम भी बहुत बीच बीच में डिस्टर्ब करती, तो उनकी बात छोड़ दी। बस मैंने अवधेश सर का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा आप डायमंड बनना है, कुछ भी हो जाए सर। और सर की रहने कहने में लगातार काम करने लगा, तो धीरे धीरे बेस्ट परफॉर्मर बना। टारगेट मैं नहीं जीता, अपनी टीम में जो है मैं 6 बार टारगेट जीता। मेरे नीचे अशोक सर, अंजना मैडम, आरती जी, रजत जी, अवधेश सर के अंदर इतनी पावर ताकत थी कि हम लोगों की खानदान की परिवार के रिश्तेदारों की प्लान भी नहीं दिखाना पड़ता था। टारगेट के समय में DD हम लोग नोच नोच के लाते थे, बोरा में भर भर DD लाते, और जो है टारगेट में 100, 150, 200 लास्ट हफ्ते में हाफ सेल, टोटल हाफ सेल, फुल सेल, कुछ भी हो साला सेल भेजना जो है। टारगेट फाइट किया, और बिजनेस जो है धीरे धीरे करके फार्म पे चलने लगा। मुझे कई सारे जगह जो है टारगेट में, सर ने कुल्लू मनाली पहला टारगेट किया था शुरू में 50 के टाइम पे, और सर ने फिर हमको टारगेट जिताया। तो यहाँ से जो है सबसे पहले हमको राजस्थान ले गए, जयपुर ले गए, जैसलमेर ले गए, गोवा में मैं टारगेट जीत के गया सेलिब्रिटी के साथ। पहली बार जीवन में जो है मैं फ्लाइट में बैठने मिला, नहीं तो जीवन में ऊपर से देखते रहते थे, घर के ऊपर से बहुत जहाज निकलते थे, लगता था कब बैठेंगे। जीवन में सर ने पहली बार कहा कि आपको वहां चलना है,
और जो है गोवा में गए, कई जगह जहां जहां कुल्लू मनाली गोवा जयपुर जैसलमेर जहां जहां सब लोग, और आगरा दिल्ली कई जगह 6 टारगेटों में मैं विनर रहा। और खुद टारगेट हम नहीं जीतते थे, हम और देश सर मिला के जो है नीचे दसियों नहीं 20 लोगों को टारगेट सर का प्लान रहता तो जिताते थे। टारगेट जीतने लगे, लगातार काम फार्म पे चलने लगा। उसी समय महागुरु जी आप द्वारा जो है मुझे बीवी सर के डायमंड शिप में एमरल्ड बनने का मौका मिला, आप द्वारा सम्मानित होने का मौका मिला। और उसी दिन अवधेश सर का छोटा वाला बेटा पैदा हुआ, मगर सर घर नहीं गए और हमारी रिकॉग्निशन की वजह से, इसमें साइड में देख रहे होंगे सर खड़े हैं, सर की तबीयत भी उस समय नहीं ठीक थी और जो है स्थिति भी ठीक नहीं थी, मगर फिर भी सर डायमंड शिप में आए, हमारे उसमें लगातार एमरल्ड की रिकॉग्निशन आप द्वारा सम्मान मिला। और जो है उस समय मेरा बिजनेस इतने फार्म पे चल रहा था, चेक बहुत धुआंधार बन रहा था, मैं नौकरी से लेट चल रहा था और जो है ईएल सेटकल मेटकल सब कुछ काट कूट के फुल टाइम बिजनेस को कर रहा था, किसी घर परिवार रिश्तेदार किसी की बात नहीं मान रहा था, दिन रात टीम के साथ रहना, अवधेश सर के साथ रहना, अवधेश सर जो बोल देते थे बस वही करना है, पहला जुनून बना के। और सर ने बाहर निकाला, झांसी में कहा झांसी में काम करो और शुक्लागंज उन्नाव में काम करो, कानपुर में काम करो, कई शहरों में जहाँ जहाँ लखनऊ लखनऊ जाते थे हम लोग, सुबह काम करते थे कानपुर में और शाम के करते थे उन्नाव में, अवधेश सर को लेके 2 जगह दिन में वेन्यू चलाते थे, संडे को और फ्राइडे को ट्रेनिंग करते थे। सर लगातार यहीं से भगवती गेस्ट हाउस है, बालाजी गेस्ट हाउस है, सारे गेस्ट हाउसों को लगातार बुक करके बारी बारी से, और जो है लगातार मीटिंग करते थे, प्लान करते थे, एक भी अपलायन को नहीं छोड़ते थे। मौ एक महीना में मेरी जब 10 की टीम थी तब से परशुराम सर, दीपक सर, महेश चंद जी, माधव सर, तब से हर महीने में एक एक बार सर जरूर बुलाते थे। और जो है परशुराम सर जो है उस समय हम लोग बहुत मेहनत करते थे, 10 लोगों को बैठा पाते थे, तो गोरखपुर से सब ट्रेनिंग देने आते थे हम लोग, एक छोटा सा रूम था अग्रवाल जी को, उसमें 10 लोगों को बैठा पाते थे, बड़ी दिक्कत थी, मगर जो है सर ने कहा होगा। और जो है महेश चंद जी अगर इधर से डायमंड सिम होके जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो रास्ते में बुला के यहाँ रोक लेते थे और सर मिलवाने लगते थे, दीपक सर को ऐसे ही बुलाते थे और बीवी सर को बुलाते थे, माधव सर को 50 रुपया दे के टिकट तब बुलवाते थे, और जो है सर से उनसे लगातार बात होती रहती थी, दिशा ट्रेनिंग जब भी होती थी तो जुनूनी रूप में सर जो लेके जाते थे और लगातार जो है जुनून बन के सर जो है काम करते थे और उनके साथ लगातार काम चलता रहा। लगातार धीरे धीरे यहाँ से जो है सर लगातार सर ने जो ड्रीम लिखाया तो सबसे पहले मोबाइल का लिखाया, लैपटॉप लिखाया सर, इसके बाद में घर का लिखवाया, कार का लिखवाया, कई सारे ड्रीम सर ने लिखवाए, वो ड्रीम सब लिखते गए और धीरे धीरे घर की सब जरूरतें पूरी होने लगी। लगातार बिजनेस फार्म पे चल रहा था, बढ़िया हो रहा था और हम लोग दिशा ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे, सर ने उस बैच में इतिहास बना दिया था और जो है लगभग हम लोग 250 लोगों को लगभग दिशा ट्रेनिंग में ले जाने वाले थे। सर ने यहाँ पैसा ऐसा जमा करा के सर चले गए घर, और घर जाके और बताए यहाँ से कि आपको वहां चलना है, हम इधर की टीम ले चल रहे, तुम उधर की हम लेके आ रहे, इधर के इंद कुमार आप ले चलना। रजत जी हमारे साथ थे बहुत धुआंधार, अंजना मैडम जी थी और भी कई सीनियर लीडर थे, सब लोग मिल के हम लोग ट्रेन एन बुक करके सीधा दिशा जा रहे थे और दिशा ट्रेनिंग में देखे तो अवधेश सर आए नहीं। उसी समय सर को करंट लग गया और सर जो एक्सपायर हो गए, हम लोगों को 1 महीना तक कुछ खानों खानों खबर नहीं मिली। हम लोग सोचे जब फोन करें फोन ना उठाएं, फोन उनके भाई आई उठाएं, पता चले कि सर की तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, अभी आएंगे अभी आएंगे। मगर इधर हम धीरे धीरे बिजनेस को समझ गए थे, धीरे धीरे प्लान ट्रेनिंग फॉलो अप सब कुछ चलता रहता था और फील्ड पे हम लोग लगातार, हम रजत जी अंजना मैडम कई सारे लीडर लगातार काम करते रहते थे। वहां से दिशा ट्रेनिंग के बाद आए और जो है 2 साल, जब 1 महीना बाद धीरे धीरे सर नहीं आए तो हम लोग लड़खड़ाने लगे, टीम टूटने लगी, जो है लोग लीडर छोड़ छोड़ के भागने लगे और जो है बिजनेस डाउन होने लगा और जो है काम हो ना, हम लोगों के अंदर जब बगैर माँ बाप के जब हो जाते हैं बच्चे तो कैसे ना पढ़ाई करते ना लिखाई करते, ऐसे सर के ही गाइडलाइन में डायरेक्ट हमारा काम था और सर जब चले गए इस दुनिया से जब खत्म हो गए तो सर मुझे इतना कष्ट हुआ, मैं 8 दिन तक जो
जो है हमें बड़ा डिस्टर्ब रहा इस बात से कि मैं इस बात को फीलिंग को महसूस कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि सर इस दुनिया से जब चले गए तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे जब पता चला कि सर नहीं रहे दुनिया में, बीच में जब तबीयत खराब थी मैं सर के पास मिलने गया, सर जो मेरे पास बिजनेस से मेरे पास जो भी था मैं गया सर के पास, और बनारस में एडमिट थे सर, जब वहां पे मैं देखा मिला सर से तो सर के अंदर इतना दर्द था, उसमें बाल लाल नहीं छीने थे, और मैं नौकरी से लेट होके भगोड़ा होके सर से मिलने गया था, बनारस अयोध्या ड्यूटी चल रही थी, तो मैं गया जो मेरे पास था मैं सब कुछ ले गया सर को, मैंने दिया सर ने नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया सर ने, एक बात थककर से बोला, अरे इंद्र कुमार यार ये क्या सोचते हो, क्या है यार अभी ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में, मगर मैंने देखा कि सर के इतना दर्द था शरीर में, फिर भी मुझे इतना जोश से बात किए, मुझे अच्छा लगा, मैं जो कुछ ले गया था सर ने मुझसे कुछ नहीं लिया, मैंने उनके पिताजी भाई को वो दे दिया, मैंने कहा सर मैं ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, सर से मैंने कहा कि जो कुछ सर लगेगा मैं सब कुछ दे दूंगा सर, आप ठीक हो जाइए, सर ने कहा हो जाएगा चिंता ना करिए, 2-3 बार मैं सर मिलने गया सर से, यहाँ तक कि मैंने सर से ये कह दिया था कि मैं ना अपने माँ से पूछूंगा ना बाप से पूछूंगा ना बीबी से पूछूंगा, मैं सर लिखा पढ़ी में आपकी किडनी सर ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही, मैं फिल्टर करके देने के लिए तैयार हूँ, मैं सर अपनी किडनी आपको देने के लिए तैयार हूँ, और सर आप बिल्कुल सही हो जाएंगे सर, कोई दे या ना दे मैं घर परिवार किसी से नहीं बोलूंगा, मैं लिखा पढ़ी बोलूंगा, सर ने कहा कि ठीक हो जाएगा वो समय आएगा बताएंगे आपको, और जो है सर से इस बारे में मेरी बातचीत चल ही रही थी, मैंने कहा सर आपने मेरे लिए नौकरी छोड़ी है घर द्वार छोड़ा, आपके 2 बच्चे हुए हैं, आपने सर कोई त्योहार नहीं किया, 4 साल मेरे साथ काम कर रहे हो तो आप नौकरी छोड़ सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो मेरे लिए, तो क्या मैं आपके लिए सर पैसा नहीं दे सकता हूँ, ब्लड नहीं दे सकता हूँ, किडनी नहीं डोनेट कर सकता हूँ, मेरा भी इतिहास लिखा जाएगा, मैं दूंगा सर, सर ने कहा ठीक है, और सर उसी बीच जो है कानपुर आने वाले थे, मीटिंग रखी थी और सर से बातचीत हो गई थी, सर ने कहा ठीक है पहले, और उसी समय पता चला सर खत्म हो गए, फिर 8 दिन में बहुत डिस्टर्ब रहा मैं, कई महीनों तक मैंने काम वाम नहीं किया, मेरा उसी समय घर बन रहा था, घर बन रहा था तो फिर घर घर का भी काम रुक गया, मेरी टीम भी टूट गई, जो है मुझे वो दिन देखने पड़े, बहुत दिक्कत हुई, मगर उसी समय भगवान बन के मेरी जिंदगी में जो है मेरी टीम को संभालने के लिए घनश्याम सर का आगमन हुआ, और एक भगवान बना के भेजा, जो सर हमारे भगवान कोई बात नहीं इंद्र जी, अब सार का आशीर्वाद आपका साथ है, आप बोलिए। जब सर हमारे साथ में आए तो सर ने दामन साधा, माँ गुरुओं का आशीर्वाद, राम माधव सर से लेके परशुराम सर तक मीटिंग हुई, बात हुई, सर की बहुत बड़ी टीम थी, लाखों की टीम थी, सर का लेवल नहीं था, फिर भी सर जो है हम लोग हम लोगों को संभाला, ग्राउंड पे सर ने जो भी कमियां थी सब शुरू करना से की, एक एक लीडर जो भागे थे उनको पकड़ा सर ने,
सर ने सारे लोगों से जीरो से बिल्कुल लेकर शुरुआत करने की शुरुआत कर दी। एक एक व्यक्ति के घर मिलते थे, हर दिन मीटिंग रहते थे, कानपुर में घर सर लगातार रूम लेकर रुकते थे, यहीं पे सर के साथ पे काम करने लगे और सर के साथ फाइन ट्यूनिंग बनने लगी। शुरू में तो मजा नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, फिर जो है सर ने धीरे 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 करके टीम के एक एक लीडर से मिले, सर से लगातार बात हुई, एक एक लीडर को बताया सर ने, और जब सर से फाइन ट्यूनिंग मिलके टीम ले के काम करने लगी धीरे धीरे, तो जो है काम बहुत तेजी से चलने लगा। फिर मोमेंटम जो डाउन हो गया था, गड़बड़ा गया था, वो सब कुछ सर ने सही किया, और जो है सर ने पर धीरे धीरे करके हम लोगों को ट्रेनिंग प्लान सब कुछ नए सिरे से सिखाया और सबने पूरी तरह से जिम्मेदारी ली, एक एक लीडर को संभाला और लगातार फील्ड पे हम लोगों के साथ में जीरो लेवल से काम करने की शुरुआत की। सर लगातार बताते रहते थे ऐसे करना है, ऐसे करना है। सर ने मेरी टीम को तन से मन से और धन भी लगा के ऐसे सींचा है जैसे कोई सींच नहीं सकता है, और लगातार सर ने एक बच्चे की जैसे केयरिंग करते हैं उससे ज्यादा सर ने केयरिंग की, और जो है सर को इधर की जिम्मेदारी दी गई, सर उधर नहीं जाते थे, काम उधर से फोन में होता थे, फिर भी लगातार सर हर बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, प्लान सारे लोगों का चेक करते थे, बैक टूर चेक करते थे, और लगातार फंक्शन दिशा सब कायम इन्वॉल्व होने लगे, और धीरे धीरे करके हमारा काम जो है सर के माध्यम से। फिर उसी बीच में सर हम जब सर खत्म हो गए थे तो इतना ज्यादा बैकग्राउंड डाउन हो गया था, घर परिवार में भी दिक्कत हो गई थी, तो जो है उसमें चेक भी नहीं बन रहा था बढ़िया, और स्थिति जब ऐसी हो गई थी तो उसी समय जो है हम नौकरी भी ज्वाइन कर लिए थे 2.5 साल के बाद। इस वैसे भी हमने एडकल मेडिकल सारी छुट्टी उट्टी सब कुछ काट डाला था, नौकरी में कुछ नहीं बचा था, कोई प्रमोशन नहीं मिला 20 साल की नौकरी में, मगर जो है फिर सर आए, सर ने संभाला कि सर इंद्र कुमार बढ़िया होगा, चिंता न करिए, सर ने हमको संभाला, हमारे सारे लीडरों को संभाला, और लगातार सर की रहने गहने में काम करने की शुरुआत फिर हम लोगों ने फिर से शुरुआत कर ली, और जो है जो लीडर हमारे साथ चले गए तो उनको भी बुलाया और सर के साथ लगातार काम करते रहे, तो जो उदय सर की डायमंड शिप हुई तो उस समय हमको रूबी का सम्मान मिला। उस समय भी हमारा ज्यादा मोमेंटम नहीं था, और जो है सर 4000 की टीम लगभग हमारी थी, तब सर खत्म हो गए थे, तो जो है मोमेंटम इतना बढ़िया नहीं था, मगर जो है सर की डायमंड शिप थी, और जब देखा हम लोगों ने तो जो है प्रमोशन दबा के किया, और जो है फिर जो है सर की रहनी कहनी में घनश्याम सर महागुरु जी के माध्यम से जो है हमारी रूबी की रिकॉग्निशन लखनऊ में हुई, और वहां से फिर हमारा मोमेंटम बनने की शुरुआत हो गई, वहां से काम करने की शुरुआत हो गई, लगातार जो है हम लोग फील्ड में लगातार काम करने लगे, और जो है अवधे सर का सपना था तो जनवरी के समय में हम सबको छज्जे में लिटाते थे, बहुत सर्दी पड़ती थी, घर में एक रूम था, किचन में सर लेटते नहीं थे, वहीं लेटरिन बाथरूम था, तो सर डिस्टर्ब होते थे, हम लोग भी डिस्टर्ब होते थे, तो 2 महीना तक सर जो है छज्जे में सर्दी में बिकट लेटे हैं, रजाई से नहीं जाती थी ठंड, फिर भी सर बाहर लेते, कहने इंद्र कुमार अंदर नहीं लेटेंगे, हम बाहर लेटेंगे, मगर फिर भी सर हम सर को लगातार जो हमसे हो सकता था बेस्ट बेस्ट देते थे। सर ने सपना लिखाया घर बनेगा, 20 साल की नौकरी में कभी घर ही नहीं बनवा पाए, मगर जो है सर ने सपना बनाया था, उसी समय सर के ही समय में जो है सर ने प्लाट खरीदवाया, कार लिवाई, और घर में जो जो छोटे छोटे भौतिक चीजें लग्जरी लाइफ जीने के लिए होता है वो सब कुछ धीरे धीरे सर ने दिलवाया, और जो है आज कानपुर में ये हमारा मकान है, 1 करोड़ का मकान खड़ा हुआ, मगर हमें इस बात का दुख है कि सर को घर में हम एक भी दिन नहीं लेटा पाए। सर का सपना था कि डायमंड बनना है,
ये बात हमको अच्छी लगी, सर डायमंड बनना है और जो है कमिटमेंट किए थे, सर ने सब ड्रीम पूरे कराए, बाइक दिलाई, कार दिलाई, इसके बाद लैपटॉप दिलाया, घर में जो जो चीजें जरूरत थी सब कुछ लिखाया। शुरू में छोटे छोटे डायरी में हम लिखते थे कि वॉशिंग मशीन लेना है, लैपटॉप लेना है, फोन लेना है, बाय डेट के लिखवाते थे, एकदम क्लियर कट में ड्रीम लिखवाते थे। सर लगातार माधव सर से फोन से सलाह लेते थे, लगातार उनसे कांटेक्ट रहता था, नीचे किसी से नहीं रहता था, तो हम देखते थे उनको कि सर को इतना हाई लेवल पर सर बस ऐसा बोलते थे वैसा हम कर लेते थे, बात मानते थे। सर ने डायमंड शिप की डेट भी लिखाई और सर अगर होते तो जो है अब तक क्राउन होते, क्राउन। सर की रहनी कहनी फिर रहे तो सारे ड्रीम पूरे हुए और ये सपना सर का था। और जो सपना था वो सर आपकी रहनी कहनी में, ये डायमंड शिप का सपना अभी परसों के दिन पूरा हुआ और यहाँ से अंदर से आग लगी। वहां भी बोलने के लिए बहुत कुछ था मगर समय नहीं था, कुछ बोल नहीं पाए, अपनी फीलिंग नहीं दर्ज कर पाए। मगर यहाँ से अभी तक तो जो हुआ छोड़ो, अब हमारे साथ घनश्याम सर हैं और एक से एक महान हमारे साथ हैं। अब यहाँ से हमारा कोई लेवल नहीं है, जीरो से शुरुआत हो रही। सर से एक एक प्लानिंग होती रहती है, परशुराम सर, माधव सर और महागुरु घनश्याम सर से सर एक एक बता, हमने कहा सर कब आना है, क्या करना है। जो कुछ सर बोलते हैं कि सर उधर से, हमने कहा फ्री होकर आ जाएं, सर ने कहा हम जैसा बताते हैं वैसा बताते हैं वैसा करते रहिए। सर को एक एक नॉलेज है और जो है अब जो है अभी तक तो हमारा केवल जो है ट्रेलर था, अभी तक तो पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अभी हमारी शुरुआत नहीं हुई है। अभी तो हम बीच में नून तेल लकड़ियन में परेशान थे, बहुत सारे उतार आए, बहुत सारे चढ़ाव आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, मगर जो है अभी तो केवल शुरुआत हुई है। अब मिशन बना के मुट्ठी बांध के अब काम करना है और जो है जीरो लेवल पे काम करना है। एक एक व्यक्ति जो मेरे टीम में है उसके घर में घुस घुस के कुछ भी हो जाए, मैं 4 साल सर ने बाहर दिया है, मेरा पहला प्रतिज्ञा है 4 साल का मेरा वनवास रहेगा। अंगद की तरह जहां सर बोलेंगे उस नए शहर में 4 साल तक कदम नहीं लाऊंगा, कोई दिवाली दशहरा छुट्टी धनतेरस कुछ नहीं, वहीं डट के काम करना है। पहले नंबर तो मेरा ये कमिटमेंट है, अभी 30 जून तक 2 डायमंड बना देंगे रजत जी और जो है अंजना मैडम जी का डायमंड क्लियर कर देंगे। अभी तो हम फॉर्म पे अब तो आए हैं, अभी सर देखिए बहुत जल्दी सर से प्लानिंग हुई कैसे क्या करते हैं, 30 जून तक डबल डायमंड हो जाएंगे। ये डेट आ नहीं पाएगी इसके पहले, हम 30 जून तक कंफर्म एक एक डेट लिखी हुई है, डायमंड हो जाएंगे 2025।